उसको जब खत्म हो जाएगा फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा उसके वो करने का। अभी भी काम चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। उसके बाद ये बिजनेस तो जाके आप अभी थोड़े हैं और पीछे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जोल्टा डिलाइट्स, जोल्टा जिसकी बाइक्स जो लाहौर की है इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। ठीक है। उसके बाद सर ये अभी जेटी जो है करंट उनका ये प्लान है कि इसको इसके साथ मर्ज करके शिप का रिपेयर का यार्ड बनाएंगे। उसके बाद ये सर सीपैक रोड है जो गोवा से लेकर चाइना तक जाएंगे इस बेस पर जी जी। और ये रेलवे जो पाकिस्तान रेलवे के लिए ये जगह रिजर्व है ML1 जी। सबसे पहले ये रेलवे साउदर्न और नॉर्दर्न फ्रीजर को साथ में जोड़ेगी क्योंकि ये साउदर्न फ्रीजर में और वो नॉर्दर्न फ्रीजर में सबसे पहले इनको साथ में जोड़ेगी। उसके बाद फेज थ्री फेज फोर में एक्सटेंड होगी, एक्सटेंशन इसकी बढ़ के चाइना तक भी जाएगी। ये सर जो ग्वादर GDA के अंदर GDA डेवलप कर रही है तो उसमें से मैप में प्लान में नहीं है। ठीक है। उसके बाद सर नॉर्दर्न फ्रीजर शुरू होता है जहाँ पे अभी कोस्ट गार्ड है जी, यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्दर्न फ्रीजर। उसमें ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरा इस तरफ का और उस तरफ है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लाइट इंडस्ट्रीज होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं होगी। सही है। और उस तरफ सर रेजिडेंशियल एरिया में अपार्टमेंट फ्लॉट वगैरह और जो ये आप देख रहे हैं अटलांटस होटल जो दुबई में है उसके एक बहु होटल बनेगी। उसके बाद सर ये जगह ऑयल सिटी कहलाती है होंगी, केमिकल स्टोरेजेस हैं आप जैसे देख सकते हैं ये सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं आप जहाँ पे चाइना खाम तेल ला के रिफाइन करके आगे लेके जाएंगे। ये सर जो सीपे को रूट है निकल के